बार सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा बलों से प्रमाण मांगा जब हमने कहा कि आसमान चीर कर पाकिस्तान में घुसकर हमारी वायुसेना ने प्रहार किया है दुश्मन के कैंपों पर। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। आज जिस प्रकार की राजनीति चुनाव में मैं देख रही हूं, सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद में भारत का बहिष्कार करने का दुस्साहस किया जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा धारा 370 हटेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा बलों से प्रमाण मांगा जब हमने कहा कि आसमान चीर कर पाकिस्तान में घुसकर हमारी वायुसेना ने प्रहार किया है दुश्मन के कैंपों पर। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोल कर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश।